जड़ी बूटी होती है तो उनको मैं मिला के पीस के बनाती हूँ और उनको पका के मतलब फिर देती हूँ। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा अपने लोक जीवन का एक अभिन्न अंग रही है प्राचीन काल से ही, लेकिन जो आधुनिक विज्ञान के जब हम विकास क्रम को देखते हैं तो उसके साथ साथ उसको उससे प्रभावित किया और वो अपने स्वरूप में विकसित नहीं हो पाया। तो लेकिन उसके बावजूद भी अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस विद्या को बढ़ाते रहे और उसकी प्रैक्टिस करते रहे। और आज जो हम सोच रहे हैं अपने आने वाले समय में अपने कुमाऊं के हिमालयी क्षेत्र में इस विधा से जुड़े हुए जो परंपरागत ज्ञान के जो विज्ञानी लोग हैं उनको, उनके ज्ञान को और उनको अपने समाज में एक पहचान के तौर पर उनको अपने सामने लाएं और उनकी पहचान कराएं और उस जिसके माध्यम से अपने समाज को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। इसी क्रम में हम एक चर्चा वार्ता शुरू करना चाहते हैं उन लोक वनस्पति विज्ञानियों या परंपरागत ज्ञान विज्ञानियों के साथ, जिससे कि एक अच्छी श्रृंखला हमारी बन सके, लोगों में उनकी पहचान बन सके। और इसी क्रम में आज हम पिथौरागढ़ के जो सोर घाटी है हमारी, इसमें जो सैनी गांव है, तो उसमें एक श्रीमती नेहा भंडारी, श्रीमती नेहा भंडारी को हम आप लोगों के सामने चर्चा के लिए ला रहे हैं। और वो यहाँ पे करीब पिछले 8-10 वर्षों से एक जड़ी बूटियों पर जो जो उनका ज्ञान है और जो उनका मंत्रोपचार का जो ज्ञान है उसके माध्यम से वो अपने आसपास के समाज को लाभान्वित कर रही है। अब हम सीधे ही जो आज के हमारे चर्चा में हमारे साथ रहेंगे, मेरा नमस्कार आप लोगों को। और मैं आज श्रीमती नेहा भंडारी को अब आप लोगों के सामने सीधे ही उस पर वार्ताक्रम में ला रहा हूँ। श्रीमती नेहा भंडारी, श्रीमती नेहा भंडारी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले मैं आपसे आपका अपना परिचय आपका जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है, पहले शुरुआत में नमस्ते, मेरा नाम है नंदा देवी, वैसे मेरे को यहाँ से नेहा भंडारी से जानते हैं, नाम ओरिजिनल नंदा देवी है। मैं एक गरीब परिवार की हूँ और मेरे पति का नाम है यशवंत सिंह भंडारी, मेरे दो बच्चे हैं, हम दोनों लग के हम खेती बाड़ी करते हैं और साथ में दूध दूध का प्रयोग भी करते हैं, गाय का सब ये खेती बाड़ी जो भी है सब करते हैं। यहाँ मेरा निवास है, यहाँ मेरा घर है मतलब, और मैं उत्तराखंड मतलब एक छोटा पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई पट्टी एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर आगे मेरा घर है, मतलब रोड से लग के है वैसे। और मेरा मायका डाकुड़ा में है जहाँ से मैंने ज्ञान लिया, और एक ज्ञान मैंने अपने नाना जी से लिया, और मेरे नाना जी का नाम बहादुर सिंह एरी है और उनसे मैंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान लिया जो भी किया मतलब अपने नाना जी से सीखा। थोड़ा ज्ञान मेरा अपने आत्मविश्वास द्वारा भी मेरा ज्ञान है। चलिए, आपने अभी ये बताया, अपना एक परिचय दिया, तो आप इसी अपने नैनी सैनी गाँव में किस क्षेत्र की रहने वाली हैं। आपने जो बताया कि आपको जो जड़ी बूटी का ज्ञान और जो मंत्रोपचार का ज्ञान है वो आपको विरासत में मिला है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि कैसे इसका प्रयोग करती हैं और कैसे ये आपने सीखा, इसके बारे में बताएंगे। इसका ज्ञान मेरे को ऐसे मालूम हुआ कि मेरे को बहुत तकलीफ में रही मैं 4 महीने करीब, मतलब अस्पताल भी गई मतलब मेडिकल में। ये जो आपकी परेशानी रही है ये शादी से पहले हुई या उससे पहले? नहीं, ये शादी के बाद बात की है। हाँ, आप बताइए। 2013 की बात है और मैं बहुत परेशानी में रही, मेरे कहीं से ठीक नहीं हुआ, तो मैंने अपने इष्ट को याद किया, तो इष्ट को याद करने के बाद तो मेरे को एक संदेश दिया उन्होंने, तो जिसको मैंने यकीन नहीं किया, तो फिर दोबारा मैं रोते रही, फिर याद करते रही, और तो उन्होंने फिर मेरे को दोबारा संदेश दिया, तो फिर मैंने जो उन्होंने संदेश दिया उसका प्रयोग पूरा किया, जितना उन्होंने बताया उतना किया, फिर मैंने वो दवाई बनाई और खाई, और तो मैं 15 दिन में ठीक हो गई एकदम बिल्कुल से। तो फिर एक मेरी दोस्त थी, वो भी मेरे साथ अस्पताल आती थी, और उनको उन्होंने पूछा तेरी ठीक हो गई, मैंने बोला हाँ मेरी तो ठीक हो गई, तो उन्होंने बोला, वो सामने ही बैठे हैं ये यहाँ पे हैं ये, तो इन्होंने पूछा कि मेरे को भी बता, तो मैंने इनको बताया फिर, और इन्होंने भी खाया, तो इनका भी ठीक हो गया 15-20 दिन में, आप पूछ सकते हो।
आपका नाम क्या है? संजना भंडारी। अच्छा, श्रीमती संजना भंडारी ये हमारी धर्मपत्नी है। और आप बताइए, आपको क्या परेशानी थी? मुझे एलर्जी थी, करीब 25-30 साल से एलर्जी थी। तो हर साल मैं दवाइयाँ लेती थी और उसके बाद थोड़े समय मैं ठीक हो जाती थी। तो ये अक्सर मुझे मार्च के महीने में, फरवरी मार्च के बीच में हो जाती थी। दवाई लूँ तो ठीक होती थी, फिर फरवरी मार्च में हर साल हो जाती थी। पिछले साल मैंने इससे दवाई ली, मुझे पता चला कि ये दवाई देती है, इससे दवाई ली, तो उस दवाई के बाद से इस साल मुझे वो एलर्जी नहीं हुई है। ये एलर्जी मेरी 25-30 साल की एलर्जी थी, तो ये मुझे फ़ायदा हुआ है। इसका इलाज आपने कराया होगा? हाँ, इसका इलाज मैंने अल्मोड़ा में दिखाया, हल्द्वानी दिखाया, हरिद्वार दिखाया, मतलब दवाइयाँ लेने के बाद ठीक होता था और उसके बाद फिर अगले साल फिर हो जाता था। लेकिन इस दवाई लेने के बाद इस साल मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई है, ये फ़ायदा मुझे हुआ है। चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ, आपका नाम? रेखा कुमार। रेखा कुमार, तो आपको क्या ऐसी व्याधि थी या रोग था आपको कि जिससे कि आपको कष्ट हो रहा था और नेहा भंडारी ने अगर आपको जो दवाई दी तो आपको लाभ हुआ? हाँ, तो क्या परेशानी थी आपको? जो ये नस चढ़ती है, चषक बोलते हैं, तो वो हुआ था मेरे को अचानक से। सुबह उठी थी, अचानक से हो गया था। पहले भी हुआ था, तब तो मैंने, मेरे को पता नहीं था कि ये जानते हैं करके। तब मैंने मतलब मेडिकल वहाँ हॉस्पिटल गई थी, इंजेक्शन लगाई, दवाई खाई, 2-3 दिन में ठीक हुई थी। दोबारा फिर से हुआ था अभी एक महीने पहले, फिर मेरे को ऐसी याद आ गई थी कि ये जानते हैं करके। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने बोला आ जाना। जैसे ही मैं आई, मतलब इन्होंने मंत्रा मेरे वो मंत्र किए थे और ठीक हो गई, तुरंत ठीक हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसको दोबारा कहीं हुआ? ना ना, दोबारा कुछ जब इन्होंने आपको मंत्रोपचार से आपका इलाज किया चषक का, तो उसके बाद दोबारा आपको नहीं हुआ? ना ना, दोबारा भी नहीं हुआ, दवाई भी नहीं ली, कुछ भी नहीं, और ठीक है तब से। चलिए ठीक है, चलो बताइए आपको, आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? कमला देवी कश्याल। कश्याल, आपको जो श्रीमती नेहा भंडारी जी ने जो दवाई दी थी, तो आपको क्या बीमारी थी और क्या उसके द्वारा दी गई दवाई से आपको लाभ हुआ था? हाँ, मेरे को एलर्जी थी, एलर्जी से बहुत परेशान थी मैं। कितने समय से परेशान थे? हाँ, 2-3 साल से। और आपने अंग्रेजी दवाओं का बहुत प्रयोग किया? हाँ, होगा, बहुत किया मैंने तो। हाँ, हरिद्वार में गई थी, वहाँ भी किया, और 2-3 जगह हरिद्वार में भी दिखाया, फिर यहाँ रुद्रपुर में आई तो वहाँ भी दिखाया, फिर हल्द्वानी में आई वहाँ भी दिखाया, फिर मैं घर आई तो घर में बहू ने बोला मेरी बहू ने, तो वो नया दीदी दवाई दे रही हैं, मम्मी लाऊं? मैंने बोला इतना इलाज किया तो अच्छी नहीं हुआ, अब क्या होंगी मैं अच्छी, नहीं तो ट्राई करके देखते हैं, बोला उसने। फिर ले गई वे आधा लीटर, तो मेरे को उसी से आराम हो गया। मतलब आपकी एलर्जी ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई। चलिए, इसके लिए आपको आपको बधाई है कि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहे। आपका नाम क्या है? कमला सोन। कमला सोन, तो आपको किस प्रकार की वो थी परेशानी थी? हाँ, मेरे को भी यही एलर्जी वाली दिक्कत थी। कितने समय से थी? हो गए थे 1-1.5 साल से परेशान थी मैं। अच्छा, आपने कई अंग्रेजी दवाओं का कई प्रयोग किया होगा, इलाज कराया होगा? ठीक, यहाँ पासी में कितनी जगह गई हॉस्पिटल में, कितने इंजेक्शन लगाए, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी गई थी और नीचे कुमोड़ में भी दिखाया, मैं बहुत जगह गई, मैंने बहुत पैसा खर्च किया था। फिर मैंने कहा बसने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब पता नहीं क्या हो गया पूरे शरीर में। मतलब आपको पूरे शरीर में दिक्कत हो गई? पूरे, मेरे तो मुंह भी इतना बड़ा हो जाता था, सूज के आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी परेशान रही मैं। फिर एक दिन ये मिली मेरे को, इसने कहा कि, मैंने कहा मेरे को बहुत बड़े बड़े पित्त हो रहे हैं, अब पता नहीं क्या हो गया शरीर में। फिर इसने कहा मेरे को भी हो रहे हैं चाची, साथ ही हॉस्पिटल गए, फिर ऐसे ही इसने बताया मेरे को दवाई के बारे में। फिर मैं इससे आधा लीटर लेके गई थी वो दवाई, मैंने, इसने 15 दिन खाना खाया, मैंने एक ही हफ्ते में उसको ख़त्म कर दिया था, तो मैं एक ही हफ्ते में मेरा ठीक हो गया वो। फिर आधा लीटर और लिया मैंने, वो मैंने कमी यूज किया था, वो उसी से मेरा ठीक हो गया, तब से कोई परेशानी नहीं है अब। मतलब उसके बाद से आपको दोबारा वो एलर्जी की परेशानी नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई परेशानी। आपका नाम क्या है? अनीता भंडारी। अनीता भंडारी, तो जो नेहा भंडारी ने जो आपको कोई मंत्रोपचार से या औषधि से कोई ऐसा जो आपको आपके घर में या आपको किसी को ऐसा दिया हो जिससे उसको लाभ हुआ हो, तो उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, मेरा बेटे का हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? परीक्षा थी ना, 8 में था। हाँ, तो स्कूल जाते जाते तैयार हो रहा था कि एकदम से मोच आ गई गले में, मतलब गर्दन उसकी अकड़ गई थी। हाँ, फिर वो रोने लग गया था, मैं स्कूल कैसे जाऊँ करके। तो फिर मुझे नेहा की याद आई मेरे को, इसने मेरा कमर भी करा था ना, कमर मम्मी मोच आई थी एक बार मेरी। हाँ, इसका तब फिर उसको यहाँ लेके आई, फिर वो इसने घर जाने तक तो सो ठीक है, इसने मंत्र करा, फिर मैं घर गई तो तैयार होकर स्कूल चला गया। फिर वो
चलिए मतलब ये आपके एकदम से थोड़ी देर में ठीक हो गया, तुरंत उसका जो निदान हो गया, नहीं तो परीक्षा में परीक्षा देने चले गया, ठीक हो गया। अच्छी बात है, चलिए धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? लीला भंडारी। लीला भंडारी जी, तो आपको क्या परेशानी थी कि? मुझे बहुत कमर दर्द होता था, कितनी दवाई खाने से भी ठीक नहीं हुआ, फिर किसी ने बोला कि नहीं मंत्र के ठीक होता है, आई तो इसने मंत्र दिया तब से आराम है। तो आप कितने समय से इस बीमारी से परेशान थी? होती रहती थी, कुछ बाल्टी उठाऊं जल्दी से हो जाता था, अब नहीं होता इतना ज्यादा, मतलब कभी। कब से आपको लाभ है, कितने समय से नहीं हुआ है? 4-5 साल हो गए होंगे ना, नहीं बहुत हो गया। तो 4-5 साल से मतलब उसकी उसने जो आपको मंत्रोपचार से जो आपका जो इलाज किया तो उससे आप अच्छी हो गई, लंबे समय से परेशान थी, लेकिन अब वो करीब 4-5 साल से वो चषक वाली जो आपको समस्या थी वो उससे आपको उससे छूट गया पूरा। अब कभी ऐसी बाल्टी जोर से उठा दी, हल्का सा होता है, फिर इतना नहीं होता है, तब तो मैं लेट ही नहीं पाती थी, ऐसे नहीं अभी इतना नहीं होता है। अब आप अपने इसी को आगे बढ़ाते रहें कि जड़ी बूटियों का जो ज्ञान है इसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि आपको कैसे ये मिला और कैसे इसके? इसको मुझे सपने में ही दिखा और मैंने उसका प्रयोग किया, वो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में मिलता है, तो वो पहचाना मैंने, मतलब ट्राई मारा, वो हमारे यहाँ हो सकता है और उगा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। मतलब जो पौधा आप प्रयोग करती हैं वो पौधा अपने पहाड़ में उपलब्ध है। हाँ, वो हमारे और उसका उसका प्रयोग आगे भी आप बढ़ा सकती हैं। बढ़ा सकते। तो जो भी जो आपने कहा भी कि जो जिसको जो दूसरे जो आप यहाँ पर आई हैं जिनको उस बीमारी से छोड़ी उस दवाई से लाभ हुआ है वो अपना हाथ खड़ा कर ले, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये निश्चित रूप से जो इनका ज्ञान है वो समाज के लिए निश्चित रूप से लाभदायक है और काफ़ी लाभान्वित लोग हुए हैं जो अंग्रेजी दवा से नहीं हुए थे, वो इनके जड़ी बूटी ज्ञान से उनको लाभ मिला है। आप कब से अपने इस ज्ञान का समाज में प्रयोग कर रही हैं, कब से आप अपनी इस विद्या का प्रयोग कर रही हैं? मेरा बचपन से ही था, उतना आगे नहीं बढ़ पाई, और पहले भी 2-3 बार पहले शादी से पहले कर चुकी थी, अब उतना ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो फिर यहाँ बहुत लोग परेशानी में थे तो मैंने उनको दिया, बताया, उनको लाभ हुआ। चलिए अच्छी बात है कि आपने मतलब जब ये देखा कि इस ज्ञान का आपके इस ज्ञान का समाज को लाभ हो रहा है तो आपने उसको आगे बढ़ाने की सोची, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पास लोग कहाँ कहाँ से, कितने क्षेत्र से आए हैं जो मेरे पास जिनको लाभ हुआ है? सबसे पहले लोकल के आए थे, अपने गांव के, अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे पहले दिया, तो उसके बाद तो इन्होंने ही फिर प्रचार किया कि यहाँ अच्छी दवाई देते हैं, इनसे ठीक होता है, तो इन्होंने फिर आगे प्रचार किया, तो मेरे पास अगल बगल के तो थे ही थे, नैनी सैनी वो धारचूला तक आने लग गए थे, तो फिर लॉकडाउन के वजह से थोड़ा रुक गई मैं, आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि लॉकडाउन से पहले आपका प्रचार प्रसार और आपकी जो ये उपचार की पद्धति थी, औषधि पद्धति जड़ी बूटी वाली, तो उससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ, लेकिन लॉकडाउन के बाद से आपके थोड़ा सा आपके कार्य में व्यवधान आ गया। तो अभी अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किन किन जो रोग हैं जिनका आपने सफलतापूर्वक निदान किया है, तो उसमें से जो कुछ आप रोगों के बारे में बताइए। मेरे पास एक एलर्जी है जिसको खुजली और एलर्जी बोलते हैं, और दूसरा पित्त बोलते हैं, इसी का रूप हुआ वो भी पित्त भी, और तीसरा गायों जो कटा फूटा है उसकी भी दवाई है, जड़ी बूटी का है। अच्छा, आपसे पहले खुजली के बारे में ही पता कर लेते हैं, तो खुजली के बारे में कुछ बताओ तो कि कौन से पौधे आप यूज़ करती हो, कितने पौधे या किस प्रकार की दवाई किस रूप में देती हो उसको, पाउडर के फॉर्म में या पीने वाली दवाई या पेस्ट के रूप में, पहले खुजली में कैसे इसका प्रयोग किया आपने? इसको चार प्रकार की दवाई होती है, चार जड़ी बूटी होती है, तो उनको मैं मिला के पीस के बनाती हूँ और उनको पका के मतलब फिर देती हूँ, और तो उसको आप पेय के रूप में देती हैं। हाँ, दवाई पेय के रूप में खुजली के लिए। तो खुजली के लिए कितनी मात्रा देती हैं दवाई की आप? दवाई के लिए उसमें 4 मात्रा है। नहीं, उसमें जो मेरा प्रश्न है कि कितनी मात्रा देती हैं, आधा लीटर, एक लीटर, आधा लीटर कितने दिन में हो जाता है? कितने दिन के लिए होती है वो? 15 दिन के लिए। 15 दिन में, तो और मतलब ये 15 दिन के अंदर इसका उपचार हो जाता है? हो जाता है। तो इसमें से कोई है जो आपके पास जिसका खुजली में कोई लाभ हुआ हो बताओ? हाँ, आप हाथ खड़ा कर लें अपना। हाँ, तो इससे ये लगता है कि हाँ इसमें इनको लाभ हुआ है, तो ये उपचार की इनकी कारगर पद्धति रही है। तो इसमें कितने पौधे यूज़ करती हो जो? इसमें 4 पौधे यूज़ करती हूँ। ये पौधे आपको आसानी से इस क्षेत्र में मिल जाते हैं? हाँ, इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र, कोई गाड़ में मिलता है, कोई उगा के मिलता है, और कोई
ऐसे पानी में मिलता है। अच्छा, मतलब ये आसानी से उपलब्ध हैं जो कि आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं और कुछ आप उगाती भी उगाती। चलिए अच्छी बात है। ये जो पित्त वाला है, जो पित्त जो एकाएक हमारे यहाँ हो जाता है, जो विपरीत प्रकार के भोजन करने से बॉडी में चक्रते से एकाएक निकल आते हैं, उसके इलाज में कितने पौधों का प्रयोग करते हैं? इसमें 3 पौधों का प्रयोग होता है और वो भी आसानी से मिल जाता है। मतलब अपने ऐसी मतलब नैनी सैनी क्षेत्र में ही आसपास ही आपको ये उपलब्ध हो जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता नहीं, इसके लिए। ठीक, अच्छी बात है। एक जो लोहा या जो हमारे यहाँ लोहा करके या लोहाई कहते हैं उसको या सोराइसिस कहते हैं वैसे, तो ये इसका भी सुना कि आप इसका इलाज करती हैं? ये इलाज करती हूँ, ये हमको पानी में मिलता है। ये पौधे जो है पानी का प्रयोग किया है, ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, उसके बाद मेरे को वो मिलेगा तो मैं आगे भी कर सकती हूँ। मतलब इसको आगे आप बढ़ा सकते बढ़ा हैं, सकते हैं। किया जा सकता है। एक जो अर्ध कपारी है, अर्ध अर्ध सिर या जिसको हम अंग्रेजी में माइग्रेन कहते हैं, तो इसका भी आप उपचार करती हैं? हाँ, इसका भी उपचार करती हूँ। इसमें होती है 22 प्रकार की दवाई होती है, कुछ ये गर्म इलाके में मिलती है, कुछ यहाँ मिल जाती है, वो ढूंढ के मैं बना लेती हूँ। तो 22 प्रकार की औषधियों को मतलब पौधों को जमा करने में आपको बड़ी कठिनाई होती है? कठिनाई होती है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई, उसमें टाइम लगता है उसको बनाने में, उसकी दवाई। हाँ। उसकी कितनी खुराक देती हो आप? उसको 3 दिन की खुराक देती हूँ। सिर्फ 3 दिन की? 3 दिन। तो 3 दिन में जो वो है वो ठीक हो जाता है? ठीक हो जाता है। कितने लोगों में आपने इसका प्रयोग किया है? इसमें 2 ही का किया है अभी। तो दोनों को लाभ हुआ है इसमें निश्चित रूप से? हाँ। चलिए अच्छी बात है। एक ये है कि जैसे ये जो अभी आपने ये जो कुछ इसके में भी करती है आप, जो कटे हुए घाव होते हैं? ये भी करती हूँ। तो इसमें जड़ी बूटी है और इसको भी 3 दिन में थोड़ा असर हो जाता है, जो कटा हुआ होता है, जो गहरा घाव होता है, इसका भी असर हो जाता है। एकदम से तो ठीक नहीं होता है, मतलब टाइम लगता है, 3 दिन के अंदर आधा पूरा हो जाता है वो, मतलब ठीक होने का जो कारण होता है। जो कटा हुआ घाव है वो करीब 3 दिन के अंदर मतलब वो भरने लगता है? भरने लगता है। ठीक, तो ये पेस्ट के रूप में देती है उसको? किस पेस्ट के रूप में देती हूँ इसको? पेस्ट बना के देती हैं उसको? ठीक हो गया। ये जो बाल गिरने वाला ऐसा, इसका भी कुछ, क्योंकि आयुर्वेद में इसका इलाज है, तो आप इसके बारे में भी जानती हैं? इसके बारे में भी जानती हूँ। तो इसमें भी 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं, एक आसानी से मिल जाती है, एक थोड़ा मतलब बाहर से भी मिल जाती है, ढूंढने से यहाँ भी मिल जाती है, उसका प्रचार है मेरे पास भी, एक का किया है, बाकी को ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब इतना प्रयोग कितना कितने लोगों में किया, कुछ किया है? एक का किया है, सिर्फ एक ही का। हाँ। तो वो मतलब आपको लगता है कि वो सफल है? हाँ, सफल। आगे और बढ़ा सकती है? बढ़ा सकती है। तो बाल एकदम से पूरे नए या आ जाते हैं या फिर? तो अलग दवाई है जो उगने की है, जो क्रोध भरते हैं वो दवाई है मेरे पास, वो भी है। चलिए अच्छी बात है। क्योंकि जो हमारी आयुर्वेद की पद्धति है उसमें एक मंत्रोपचार भी है, मंत्र के माध्यम से उपचार की भी पद्धति है, उसका भी ज्ञान है आपको? उसका भी ज्ञान है मेरे पास। तो उसमें किस किस का करती है? जैसे उसमें एक छल छिम कहते हैं और एक नज़र बोलते हैं और एक जो मधुमक्खी काटता है, जिसको मधुमक्खी के बड़े रूप होता है, अंग्रयाल बोलते हैं हमारी भाषा में, ठीक, वो अंग्रयाल का उसका भी है। तो ये और जो एक चलके है जो आदमी को बहुत दर्द करता है तो उसको मंत्रने से ठीक होता है, उसमें से ये लोग हैं ये बताएंगे। चषक जिसे हम कहते हैं अपने यहाँ भाषा में, तो उसका भी आपने इलाज किया है मंत्रोपचार से? तो उसमें से आए हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हो? हाँ, जिसका अच्छा हुआ है खाली चषक, वो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे चषक वाले। तो मतलब करीब करीब सभी का है, मतलब जिसको चषक थी कहीं पर दर्द था तो उसका भी मंत्रोपचार से इन्होंने किया तो उसको लाभ हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपको बधाई है और ये जो आप अपने समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। इसका जो ये कहते हैं कि मंत्रोपचार से जो जानवरों में भी उसका भी लाभ होता है, उसका भी कोई ज्ञान है आपके पास? जानवरों का भी है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं टीला, तो उसकी दवाई है मेरे पास। और जब कोई कट गया गायों का भी, कहीं लग गई चोट, उसका भी है मेरे पास। अच्छा, तो ये जो औषधियाँ आप प्रयोग करती हो, जो लोगों को देती हो, ये कैसे बनाती हो आप अपने घर में? ये भी पेस्ट के द्वारा बनाती हूँ घर पे, अपने घर पे उनको ला करके बनाने के बाद। तो उसमें पाउडर फॉर्म में या पाउडर में नहीं, घोल के पानी डालती हैं, मतलब पेस्ट टाइप का बना। मतलब अभी तक आप पेस्ट और उसको पीने वाली दवाई देते हैं, पाउडर के रूप में आपने अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया है? अच्छा, अच्छी बात है। तो एक तो ये है कि जो इसको तैयार करती हो तो ये कितने दिन तक इसका वो रहता है? वो कहते हैं ना हम लोग अंग्रेजी दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है। इसमें जो पानी वाली बनाती हूँ उसमें 1 महीने का इसका डेट रहती है, 1 महीने तक कोई
भी खा सकता है। एक महीने के बाद जो लंबा ले जाता है उनके लिए पेस्ट बना सकती हूँ। अच्छा, नहीं अगर ये मेरा सुझाव है ये आपको कि अगर उसको पाउडर फॉर्म में आप बनाएंगी, हाँ, तो पाउडर फॉर्म में वो ज्यादा दिन तक उसका प्रयोग किया जा सकता है, दो महीने तक चला सकता रखा जा सकता है। तो ये प्रयोग ये भी आप प्रयास कर सकते हैं आने वाले समय में, हाँ, जब आपका कार्य बढ़ जाता है, हाँ, तो उसमें उसको पाउडर फॉर्म में बनाएंगी तो वो ज्यादा दिन तक उसका उसकी अवधि हो सकती है कि वो दवाई खराब नहीं है। चलिए ये एक सुझाव है आपको। अच्छा, जो ये जो जो पौधे आपने जैसे बताया कि ये अपने उसमें 22 पौधे लग जाते हैं किसमें अतसीर में, हाँ, तो 22 पौधे ये जो और भी और में जो पौधे अलग अलग प्रकार के जो पौधे वनस्पतियों का प्रयोग होता है औषधि बनाने में, उनको क्या आप उनकी खेती कर सकते हैं? खेती भी कर सकते हैं और वो सूखे में भी पाए जाते हैं। सूखे में से क्या तात्पर्य है आपका? मतलब सूखे में भी होता है उसमें 22 चीज अलग अलग के रहते हैं, उसको मिला के पेस्ट बनाते हैं फिर लगाते हैं। नहीं जैसे कुछ है जैसे आप कोई पौधे हैं उसके तो आप अपने आंगन में या अपने लगा सकती हूँ, मतलब उसको उनको भी उगाया भी जा सकता है। तो अगर क्योंकि इसमें अगर आप उगाएंगे तो आगे आने वाले समय में अगर आपका कार्य बढ़ गया, हाँ, तो कुछ लोगों को आप और उसमें जोड़ सकती हैं कि जो लोग उगाएंगे तो वो वनस्पतियां आपको देंगे औषधि, हाँ, तो औषधि आप बनाएंगे बना तो और लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं, है ना, हाँ, तो ये इसका आगे ये हो सकता है इसमें। तो आने वाले समय में क्या तुम इस कार्य को बड़े स्तर पर करना चाहोगी? कर सकती, करना चाहती हूँ। करना चाहती हो, हाँ, तो क्या तुम्हारी मतलब क्या सोच रखा है आपने? अगर उसको बड़े स्तर पर आप करना चाहती हैं तो किस रूप में करना चाहती हैं? मैं करना चाहती हूँ किसी की सेवा मिले, मैं दुकान डालूं और मैं अपना बना के अच्छी तरह रख सकूं और आदमियों को सेवा कर सकूं और आदमी की पढ़ाई कर। नहीं अभी ऐसा है कि जैसे अभी आज के दिन में अपने जो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे स्टार्टअप इंडिया है या इंक्यूबेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कि ऐसे जो सोच के लोग हैं उनको सहायता दी जाती है, उनको ये बताया जाता है कि आपके इस ज्ञान या विज्ञान का कैसे आप इसको और बढ़ा सकते हो, इसका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए इसको उद्योग के रूप में कैसे विकसित कर सकते हो, और उससे और अपना तो आप मतलब उसको विकसित करोगे ही तो कुछ लोगों को उसमें उस उद्यम से जोड़ सकते हो। तो आने वाले समय में आप इसकी इसकी तरफ भी सोच सकते हो कि स्टार्टअप इंडिया जैसे है या बहुत सारी अभी परियोजनाएँ प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार दोनों के द्वारा चलाई जा रही हैं जिसमें कि वो आपको एक सीड मनी जिसे कहते हैं वो दी जाती है, उसके माध्यम से आप अपने कार्यों को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा अवसर मिलेगा तो आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आप इस कार्य को आगे और बढ़ाएं और अपने जो समाज है अपने पहाड़ का इस हिमालयी क्षेत्र का वो समाज अधिक से अधिक आपके कार्यों से लाभान्वित हो, क्योंकि जो उपस्थिति यहाँ पर है इससे लगता है कि आपके जो ये ज्ञान विज्ञान है इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। अगर सरकार से कोई सहयोग अगर आप चाहती हो तो कैसा सहयोग चाहती हो? थोड़ा मतलब सामान लेने के लिए, थोड़ा मतलब जो मैं आगे को और आदमियों को भी थोड़ा जितने भी हो तो उनको थोड़ा आपस में मिलजुल के बनाए तो उनको भी नौकरी मिल लग जाएगी, उनका भी अच्छा हो जाएगा, मेरा भी अच्छा हो जाएगा और बचत मतलब जो टाइम होता है उसका भी बचत हो जा सकता है हमारे उसमें। तो मतलब सरकार से आप सहयोग की अपेक्षा करते हो कि सरकार आपके कार्यों को बढ़ावा दे, हाँ, और आपको आर्थिक रूप से सहयोग भी करे जिससे कि आपको समाज में अधिक से अधिक इसका लाभ हो सके। अभी जो हमने आपसे जितनी बातें आपसे की, हाँ, तो हम आपके सुखद और सफल भविष्य की आप कामना करते हैं और ये अपेक्षा हमको है कि आप समाज में आने वाले समय में अधिक से अधिक अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करेंगी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो आप अपने आसपास की जनता को? आसपास की जनता को समाज देना चाहती हूँ कि मेरी दवाई से फर्क हो रहा तो आप मतलब आके ले जा सकते हैं ताज़ी ताज़ी बना के, तो उसी समय बनाती हूँ तो फिर खिलाती हूँ, आदमियों को आराम मिलता है और ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो जो ये श्रीमती नेहा भंडारी हैं इसके इसी से इसके इसके ज्ञान के बारे में जो चर्चा की थी वो आप तक हमने पहुंचाई थी, और जो अभी हमारे जो जो विचार आए हैं या जो विषय निकल के आया है वो ये है कि हमारे क्षेत्रों में हमारे पहाड़ के क्षेत्रों में आज भी ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जिससे कि समाज को लाभ पहुँचाया जा सकता है या हो सकता है, तो उसको अधिक से अधिक समाज में लाने की ज़रूरत है, उस ज्ञान को संग्रहित और विकसित करने की भी आवश्यकता है। तो इस दिशा में हम निरंतर
प्रयास करते रहेंगे। आज इस श्रृंखला के हम इस बिंदु पर आकर के अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करते हैं और फिर हम अगले किसी और ऐसे जो वनस्पति विज्ञानी है या मंत्रोपचार ज्ञानी है उसको लेकर के आपके सामने फिर आएंगे और फिर हम आपके इस चर्चा में आपको शामिल करेंगे। धन्यवाद।